कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। मैं सदके कुरान दे कारी तो मैं सदके कुरान दे कारी तो कुरान दी महफिल प्यारी तो। मैं सदके कुरान दे कारी तो कुरान दी महफिल प्यारी तो। इथे रहमत रब दी बसदी है, इथे रहमत रब दी बसदी है। ए आला है दुनिया सारी तो। जे कुरान सीने लाया है, जिने कुरान सीने लाया है, उनु मौला ने चमकाया है। नाले पढ़दा जा, नाले चढ़दा जा, नाले पढ़दा जा, नाले चढ़दा जा, तेरा ऊंचा मुकाम बनाया है। मैं सदके कुरान दे कारी तो कुरान दी महफिल प्यारी तो। हम्दो सना किबरियाई वहदाई यकताई और बादशाही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बाबरकत ज़ात है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन सैयदुस सकलैन आमिना दिलाल जनाब सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस ते शामिल मोहतरम अज रमज़ानुल मुबारक दी 27वीं ताक़रात है और असी अल्लाह रब रहमान नू मनान वास्ते अल्लाह को अपने गुनाहों दियाँ माफ़ियाँ मंगन वास्ते असी अल्लाह मालिकुल अल्लाम दे घर दे अंदर जमा होए हाँ। दुआ फरमाओ अल्लाह सुब्हानहू व तआला साडा आना बैठना कुरान और हदीस दियाँ बातों नू सुनना और सुनाना मेरा मौला अपनी बारगाह अंदर मकबूल मंजूर फरमा के साढ़े वास्ते जरिए निजात और ज़ख़ीरा आखरत बनाए। उची कह दो आमीन। मैं इंशाअल्लाह ज़्यादा वक़्त नहीं तो डालांगा, चंद मिनटा की गुफ्तगू है और इंशाअल्लाह मेरे तो फ़ौरन बाद ख़तीब पाकिस्तान वाइज़ शरीफ बयान हज़रत मौलाना सैफुल्लाह रब्बानी साहब हाफिज़हुल्लाह तआला मत्तानल्लाहु बितूली हयातिही, इंशाअल्लाह उन्हां दा तफसीली और मुदल्लल खिताब होएगा। मैं असमते कुरान दे हवाले दे नाल चंद गुजारिशात तुसां अहबाब दियां समातां दे हवाले करना चाहना। अल्लाह सुबहानहु व तआला कोलों दुआ है, अल्लाह रब रहमान सुन सुना के मेरे समेत सानू सारियां अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। तवज्जो मेरे वल करो, गल शुरू होने लगी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस दुनिया कायनात अंदर कमो पेश 1,24,000 अंबिया और रसूलों को मबूस फरमाया, जिन्हों के अंदरों अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 5 रसूलों को उलुल अज़म बनाया। 5 रसूलों के अंदरों अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आमीना दे लाल पैकरे हुस्नो जमाल साहिबे शर्फो कमाल मेरे और तुहाडे दिलों की बहार जनाबे सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नो अफजल और आला बनाया। जड़ी चीज़ भी मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल जिस चीज़ की निस्बत हो गई, अल्लाह ने उस चीज़ को कायनात अंदर असमत और शाम दे नाल नवाज़िया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल मक्का और मदीना की निस्बत हुई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मक्का और मदीना इन दोवां शहरां नूं सारी कायनात दे शहरां नालों अफजल और आला बना दिता। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल निस्बत सहाबा इकराम दी हुई। अल्लाह मालिक कायनात ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन बना दिता। बयान ही इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल निस्बत कुरान दी हुई। कुरान नो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे महबूब पैगंबर दे सीने अकदस ते नाज़िल कीता ते कुरान भी असमत वाला और शान वाला बन गया। उस तो बाद कुरान ते अल्लाह ने असमत अता फरमा दी थी ते जेड़ी चीज़ हुण कुरान दे नाल जिस चीज़ दी निस्बत हो गई, अल्लाह ने उस चीज़ नूं भी अफजल और आला बना दिता। ए वेखो वर्क ने जिन्हों आपां कागज़ कहने, ए होर भी कापियां अंदर हुंदे ने। बच्चे कापियां फाड़ के किताबां फाड़ के जमीन ते सट देंदे ने। असीं कदी उहदा एडा इशू नहीं बनाया, लेकिन जिहड़ा वर्क जिहड़ा कागज़ कुराने करीम दे नाल लग गया, कुराने करीम दे अंदर अटैच हो गया, वो वर्क नूं भी अल्लाह ने इज्जत और असमत दे नाल नवाजे है। अगर वो वर्क का छोटा जिहा टुकड़ा भी जमीन ते डिग्गिया होए ते असीं बड़ी इज्जत दे नाल उहनूं चकने चाके किसी उच्ची जगह ते रखने। कागज़ दी निस्बत कुरान वल गई, अल्लाह ने कागज़ नूं भी मुकाम वाला बना दिता। कलम है, अगर किसी कलम दे नाल कुरान करीम दे अल्फाज नू हरूफ नू लिखिया जाए, असी उस कलम नू ही जमीन ते नहीं डिगन देते कि इस कलम दे नाल कुरान करीम दे हरूफ नू लिखिया गया। इसे तरह अगर कोई बंदा कुरान करीम नू हिफज कर लैंदा है, कुरान करीम नू याद कर लैंदा है, कुरान करीम दे नाल मुहब्बत और प्यार पा लैंदा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान दे नाल निस्बत होने की वजह तो उस बंदे नूं भी इज्जत मुकाम मरतबा और शान दे नाल नवाज देंदे ने। कुरान बजाते खुद एक बड़ी अजीम और अजमत वाली किताब है। कुरान करीम की अजमत वास्ते सिर्फ इतनी ही गल काफ़ी है कि आसमान तो डायरेक्ट अल्लाह मालिक कायनात ने मेरे महबूब पैगंबर के सीने ते नाज़िल की थी। इहदे नालों वड्डी असमत केड़ी हो सकती है कि आसमानी किताब है। इत्थे ही बस नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम के अंदर कई एक मुकामात ते कुरान दी असमत नू बयान फरमाया है, कुरान दी असमत नू वाज़े फरमाया है। आओ जरा अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान समात फरमाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान दी असमत दे अंदर कुरान पाक अंदर की इरशाद फरमाया है, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद आमीना दिलाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गज के तरह दूर पढ़ो, जनाब मुहम्मद। कोई आम नबी नहीं जिसका नाम लिया जा रहा है, बड़ी इस्मत रिफत शान और मुकाम वाला नबी है। ऐसा नबी है फिर असी ऐसे नबी दे उम्मतियां के जिन्होंने वेख के हजरा ते शजरा ने भी कलमा पढ़ लिया। और जरा अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान सुनो, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद आमीना दिलाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू से मैं क्यों ना मुहब्बत दा तराना बोलता जावां। काबे नो आहन सजाया मेरे मुहम्मद ने, काबे नो आहन सजाया मेरे मुहम्मद ने, दुखियां नु गल नल लाया मेरे मुहम्मद ने, शजरा भी आपनो सलाम कीते ने, शजरा भी आपनो सलाम कीते ने, जानवरा चल के कलाम कीते ने, जानवरा चल के कलाम कीते ने, रोड़ा नु कलमा पढ़ाया मेरे मुहम्मद ने, रोड़ा नु कलमा पढ़ाया मेरे मुहम्मद ने। और जरा गज बज के दरूद पढ़ो, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीने पाक दे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाज़िल फरमाया ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान दी असमत नू बयान फरमा रहे ने। किते अल्लाह फरमांदे ने वा इन्नहु लतनज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन वा इन्नका लितकून मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन वा इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल किते अल्लाह कुरान दी अज़मत नू बयान फरमा रहे ने। फरमाया अल किताबुल हकीम, किते अल्लाह फरमा रहे ने अल किताबुल मुबीन, किते अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान दियां कसमां उठा रहे ने ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान की ऐलान फरमा रहे है, अल्लाह कुरान दियां कसमां उठा रहे ने। फरमाया यासीन अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान दियां कसमां उठा रहे नाल जिते अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान फरमा रहे है। अल्लाह फरमांदे ने हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अनज़लनाहु कुरानल अरबिय्यल्ला अल्लाकुम ताकिलून कि जे अल्लाह फरमांदे ने साद वल कुरानी जिक्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद दे अंदर कुरान दे मुख्तलिफ औसाफ दा तज़किरा फरमाया ना। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कुरान दी असमझ किए आसमानी किताबां आईया ने तौरात भी आसमानी किताबें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल फरमाई है। इंजील भी आसमानी किताबें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल फरमाई है। ज़बूर भी आसमानी किताबें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने दुनिया कायनात दे लोगो ए कुरान असमत वाली किताब है, ए कुरान शान ते मुकाम वाली किताब है। अल्लाह जी किन्नी को असमत वाली किताब है। अल्लाह फरमाते ने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना अल्लाहु लहाफ़िज़ुन। आसमान तो नाजल की थी, ज़बूर भी आसमान तो नाजल की थी, इंजील भी आसमान तो नाजल की थी, लेकिन जो कुरान दियाँ वारियाँ आईया ते अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना अल्लाहु लहाफ़िज़ून। फरमाया इस कुरान नु नाजल भी असी आप ही कीता है ते एदी हिफाजत दा ज़िम्मा भी असी आप ही ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। यही वजह कि जिन्ह लोगों ने कुरान की बेकदरी की थी, जिन्ह लोगों ने कुरान की तोहीन करने की कोशिश की थी, जिन्ह लोगों ने कुरान की तोहीन की थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्ह लोगों को फिर दुनिया अंदर भी जलील ते रुसवा कर दिता। ते कल क़यामत वाले दिन भी कायनात दा रब ऐसे बंदियां नू जलील ते रुसवा कर देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ ना नहीं समझे मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीने पाक ते नाज़िल होने वाली अल्लाह दी किताब दी असमत कीनी है, कुरान करीम दा शान ते मुकाम कीना है। जेड़ा बंदा कुरान नू समझ के पढ़ दे ते कुरान ते अमल कर दे, जेड़ा बंदा कुरान नू प्यार दे नाल पढ़ दे, मुहब्बत दे नाल पढ़ दे ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे नू अता की करनगे। जिहड़ा बंदा कुरान नू मुहब्बत नाल पढ़दा है, दिल लगा के पढ़दा है, कुरान दियां तिलावतां करदा है, इस बंदे ते अल्लाह रब्बुल आलमीन इनामात की करनगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह फरमांदे ने वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा अल्लाह ने कुरान नू शिफा बना के नाज़िल फरमाया ना। सलाम दे चंद सहाबा इकराम ने नाल ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा एक सफर ते जा रहे ने नाल ते रस्ते अंदर बड़ी भूख लग गई, बड़ी प्यास लग गई है ना। ते एक कौम वाले, कबीले वाले, बस्ती वाले नजर आए ने ना। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा ने उस बस्ती वल जाना शुरू किया। बस्ती दे अंदर जाके पुछदे ने, यार सानू भुख बड़ी लगी है, प्यास बड़ी लगी है, कुछ खान वास्ते मिल सकता है या नहीं मिल सकता। बस्ती वालियां ने आखिया असी तुहानू जानदे ही नहीं आ, जाओ चले जाओ, साडे कोल तुहानू देन वास्ते कुछ भी नहीं है। नबी पाक दे सहाबा इकराम जा रहे ने, उस बस्ती दे अंदरों निकल पे ने। मैं दस रहा कि रब ने कुरान नू शिफा बना के नाज़िल कीता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा उस बस्ती दे अंदरों निकले ने ना ते अगे सफर शुरू कर दिता। हजे चंद लम्हे गुजरे ने, नबी पाक दे यार थोड़ी दूर ही गए ने ना जे ते पिछों एक आदमी दौड़दा होया आ गया ते आके कहंदा अल्लाह वालियो, जेड़ा साडे कबीले दा सरदार है ना, जेड़ा साडे कबीले दा चौधरी ते नंबरदार है ना, ओनू सप ने डंग मार लिया, सप ने डस लिया ना। तुहाडे विचों है कोई तबीब जेड़ा इलाज कर देवे? तुहाडे अंदरों है कोई बंदा जेड़ा दम कर सके ते साडे सरदार नू शिफावां मिल जान? अल्लाहु अकबर अल्लाह। इधरों जनाब ना नबी पाक दे सहाबा आपस अंदर मशवरा कर रहे ने, इन्होंने ते सानू खान पीन वास्ते कुछ नहीं दिता, असी क्यों इन्हां दे कबीले अंदर जाके इन्हां दे सरदार दा इलाज करिए? अल्लाहु अकबर अल्लाह। जे गल्लां बातां सोच रहे ने ते जेरे कबीले दे अंदरों लोग आए ने ना, कहंदे ने कि अल्लाह वालियो, तुसी साडे कबीले दे सरदार दा इलाज करो, साडे चौधरी ते नंबर सरदार साहब दा इलाज करो, असी तुहानू मुँह मंगिया इनाम ते मुँह मंगी कीमत अदा कर देंगे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा चल पे ने ना ते बस्ती अंदर गए ने ते जाके वेखिया कि जेड़ा बस्ती दा सरदार है, बस्ती दा जेड़ा नंबरदार ते चौधरी है, और दर्द दे नाल कलप रही है, दर्द बड़ी शदीद हो रही है, अखां चों आंसू निकलदे पे ने, दर्द दे नाल तड़पदा पिया ना। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा ने ओथे कुरान दियां तिलावतां करनियां शुरू कीतियां। जिस जगह ते सप ने डस मारे डंगिए, उस जगह ते नबी पाक दे यार ने हाथ रख ले ना ते पढ़दा किए आंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलज़ नबी पाक दे यार ने हाथ रखे है, जिते सप ने डंग मारे है, हाथ रख के ते नबी पाक दा यार कुरान दियां तिलावतां शुरू कीतियां। इधरों कुरान दी तिलावत करके उस जगह ते फूक मारी है, रब ने शिफावां अता कर छड़ियां ने। पता चलिया कुरान शिफा बन के आया है। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक अंदर ऐलान फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमावे, तवज्जो मेरे वल करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने चलो माशाल्लाह। बस चंद मिनट ही ने इंशाल्लाह उसके बाद शेख साहब का खिताब शुरू होएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीने पाक ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, वनु नज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह फरमांदे ने जड़ा कुरान सी नाज़िल कीता है लोगां वास्ते शिफा भी बन के आए ते लोगां वास्ते रहमत भी बन के आए। तुसी कहोगे दलील की है लोगां वास्ते रहमत किवें बन के आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह तआला अन्हो नबी पाक दे सहाबी ने नाम हजरत उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह तआला अन्हो ते नबी पाक दा यार अद्धी रात दा वक्त ते उठ के क्याम कर दे पे ने, अपने रब दे सामने हुज़ारियां कर दे पे ने, अपने रब दे सामने रो रो के गिड़गिड़ा के अपने रब दे सामने गिड़गिड़ा के ते अपने गुनाहां दियां माफियां मंगदे पे ने। ना ओ यार तू भी आया कर, मस्जिद दे अंदर आके दो नफल पढ़ लिया कर, रब दे सामने अपने गुनाहां दियां माफियां मंग लिया कर। ए वेखना मेरे नबी दा सहाबी के केड़ा सहाबी के जिहड़े बारे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस जवाब दे बारे ऐलान कीता, फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन उलाइका हिज़्बुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा इकराम दी जमात ते राज़ी होण दे ऐलान कर दिते ने। फिर भी मेरे महबूब पैगंबर दे सहाबा अद्धी रात नू उठ के अपने रब नू मनाया कर दे सी, ओ यार तू भी उठिया कर, रात नू अपने रब दे सामने आके रोया कर, आहो जारियां करया कर, गिड़गिड़ाया कर। वाह लज्जत है रात खलोने दी, हाथ बन के कैदी होने दी। ओ बाबा लज्जत है रात खलोने दी, हाथ बन के कैदी होने दी, उस अल्लाह अगे रोने दी। रो रो के अर्श हिला दे तो दिल कुदसियां दे तड़पा दे तो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी हजरत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, मैं दसना चाहना वा कि कुरान शिफा भी बन के आए ते कुरान रहमत भी बन के आए। अल्लाहु अकबर अल्लाह। नबी पाक दा सहाबी रात नू क़ियाम कर रहे ते कुरान दियां तिलावतां कर रहे ने। ना ते नबी पाक दे सहाबी दे घर दे अंदर ही नज़दीक ही एक घोड़ा बनिया ते जिदों कुरान दी तिलावत कीती ना ते घोड़े ने उछलना शुरू कर दिता, घोड़े ने खुदकना शुरू कर दिता। हजे चंद लम्हे गुजरे ने हजरत उसैद बिन हुज़ैर नू जिदों पता चलिया कि घोड़े ने उछलना शुरू कीते, नज़दीक ही हजरत उसैद बिन हुज़ैर दा एक छोटा जिहा बच्चा है ओ लेटिया जिदा नाम याहिया है, ओ लेटिया ना ते हजरत उसैद बिन हुज़ैर नू खदशा पैदा हो गया, डर पैदा हो गया कि इंज ना होए कि घोड़ा उछले ते मेरा बेटा घोड़े दे पांव नीचे आ जाए। हजरत उसैद बिन हुज़ैर ने जल्दी दे नाल कुरान दी तिलावत नू मुकम्मल कीता। ना अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान दी तिलावत नू मुकम्मल करके हजरत उसैद बिन हुज़ैर ने अपने बच्चे नू उठाए ते अचानक आसमान वाले नजर आ गईयां ने। ना ते की वेखिए कि लाइटां नजर आ रही ने, रोशनियां नजर आ रही ने जेड़ियां आसमान वाल वापस जा रही ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत उसैद बिन हुज़ैर डर गए। सुबह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आए ना ते आके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू सारा वाक़िया सुनाया। हजरत उसैद बिन हुज़ैर ने जिदों सारा वाक़िया सुनाए ना ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, ए उसैद बिन हुज़ैर जेड़ियां तू आसमान ते रोशनियां चीज़ा वेखिया सी जेड़ियां आसमान ते लाइटा वेखिया सी और लाइटा ते रोशनियां नहीं बल्कि अल्लाह दे नूरानी मलाइका तेरे ते नाज़िल हो रहे सी। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी पाक फरमांदे ने कि अगर तू उस तरह कुरान दियां तिलावतां करदा रहंदा ते सुबह सारे इलाके दे लोगां ने अल्लाह रब्बुल आलमीन दे फरिश्तियां नूं वेख लेना सी। पता चलिया जिस घर दे अंदर कुरान पढ़िया जाए जिहड़ा बंदा कुरान पढ़े ओदे ते अल्लाह दी रहमत दे फरिश्ते नाज़िल हुंदे ने। इस वास्ते अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रही है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मुमिनीन। उची आखो ओए उची आखो, मेरा ही पसीना कढ़ाना तुसी को नहीं बोलना। उची आखो सुभान अल्लाह। जिन्होंने इफ्तारी कर ली वो बोलन सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान नाज़िल फरमाया मेरे महबूब ते अल्लाह फरमाते ने असीं इस कुरान को शिफा भी बना के भेजे है ते तुहाडे वास्ते रहमत भी बना के भेजे है। ईमानदारी दे नाल दस्या जे मस्जिद दे अंदर बैठे हो जिस घर दे अंदर अल्लाह दी रहमत दे फरिश्ते नाज़िल होन उस घर दे अंदरों कदी रिज़्क खत्म हो सकदा। असीं साडे अपने अंदर गलतियां ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया साद बल कुरान इसी जिक्र असी इस कुरान को जिक्र बना के भेजे है। तो दूसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा फरमाया वमन आरज़ अन जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। फरमाया जरा बंदा साडे जिक्र तो मुँह फेर लैंदे असी ओदी मईशत नूं तंग कर देना। जड़ा बंदा कुरान की तिलावत नहीं करता, जरा बंदा कुरान नू सीने नाल ला के नहीं रखता, कुरान दे नाल मुहब्बत नहीं करता, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बंदे की मैशत नू तंग ही करना है, उधर रिजक अंदर बरकत नहीं होनी। जरा बंदा चाहता है कि रिजक अंदर फरावानी होए अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे नू हलाल रिजक वाफर मिकदार दे अंदर अदा करन। उस बंदे नू चाहिए कि वह बंदा रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करेया। जरा बंदा कुरान की तिलावत करता है अल्लाह उस बंदे के घर दे कदे रिज़्क नहीं खत्म होने देगा। कुरान जरा बंदा पढ़ता है, कुरान का इलम हासिल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बंदे की असमत की बनाई है। कुरान की असमत की अपनी जगह से जरा बंदा कुरान का इलम हासिल करता है ना उस बंदे की शान से मुकाम की है। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा कुरान का इलम हासिल करने वास्ते अपने घर के अंदरों निकल देना, कुरान की तलीम हासिल करने वास्ते अपने घर के अंदरों निकल गए अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नूरानी मलाइका अपने पार उस बंदे दे पैरां थले वछा देंदे ने। इन्नी अज़मत है कुरान दा इलम हासिल करन दी, इन्ना शान ते इन्ना मुकाम है कुरान दा इलम हासिल करन दा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इत्थे ही बस नहीं है, जिहड़ा बंदा कुरान दा इलम हासिल कर दे कुरान दे नाल प्यार पा लैंदा है, कुरान दे नाल मुहब्बतां कर दे, कल क़यामत दा दिन होएगा कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन दी अदालत दे अंदर आएगा। अल्लाह इस कुरान नो एक जुबान ते दो अखां ता कर देंगे। जेड़ा बंदा दुनिया ते रह के कुरान नू पढ़दा रहा, कुरान दे नाल प्यार करदा रहा, कुरान दे नाल मुहब्बतां कीतियां, कुरान ते अमल करदा रहा, जेड़ा बंदा कुरान ते अमल करदा रहा कल क़यामत दा दिन होएगा ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दी अदालत दे अंदर कुरान आके इस बंदे दी सिफारिश करेगा। आखेगा अल्लाह सोनिया ए बंदा दुनिया ते रह के मैनू पढ़दा रहा, दुनिया ते रह के ना मेरा इलम हासिल कीता, दुनिया ते रह के ए मेरे ते अमल करदा रहा। अल्लाह सोनिया अज मैं सिफारिश कर रहा वां अल्लाह अज इस बंदे नू अपनी जन्नत दा हकदार बना देना। ते अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान दी सिफारिश नू कबूल करके उस बंदे नू जन्नत दा दाखला ता कर छड़ेगा। जिहड़ा बंदा कुरान पढ़दा रहा, कुरान दे नाल मुहब्बतां करदा रहा, कुरान दे नाल जिस बंदे ने प्यार पा लिया, जिहड़ा बंदा कुरान दा इल्म हासिल करने वास्ते निकलिया, नबी पाक फरमांदे ने जिहड़ा बंदा कुरान दा इल्म हासिल करने वास्ते निकलिया, जिन्नियां भी अल्लाह रब्बुल आलमीन दियां मखलूकात ने, मछलियां ने, चरिंद परिंद ने, जानवर ने, कीड़े मकोड़े हशरात ने, फरमाया इधरों बंदा अपने घर दे अंदरों कुरान दा इल्म हासिल करने वास्ते निकलिया ते अल्लाह दियां जिन्नियां मखलूकात ने सारियां दियां सारियां ही उस बंदे वास्ते दुआवां करन लग पैंदियां ने। इन्नी अजमत कुरान पढ़ने वाले इंसान दी ते जिस बंदे ने कुरान को जुबानी याद कर लिया उस बंदे दी की अजमत की मुकाम है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी अदालत दे अंदर हाफिज़े कुरान को बुलाया जाएगा ते अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे ऐ हाफिज़े कुरान ते कारी कुरान तो दुनिया ते रह के मेरी इस किताब नू अपने सीने दे अंदर महफूज कर लिया। दुनिया ते रह के तू कुरान पढ़दा रहा, लोगां नू पढ़ांदा रहा, नमाज़ां दे अंदर तिलावतां करदा रहा, ऐ हाफिज़े कुरान ते कारी कुरान अज कुरान पढ़ना शुरू कर दे। ऐ जन्नत दीयां सीढ़ियां ने अलहमद तो पढ़ना शुरू कर दे, जिथे वन्नास आएगी उथे जन्नत अंदर तेरा मुकाम होएगा। इत्थे बस नहीं है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे ने दुनिया ते रह के कुरान नू जुबानी याद कर लिया, कुरान नू हिफज कर लिया, कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह हाफिज़े कुरान ते कारी कुरान दे वालिदैन नू बुलाएगा ते अल्लाह उन्हां नू सोने दा ताज अता करेगा, सोने दा ताज पहनाएगा। उस ताज दी रोशनी इतनी होएगी कि आज दे सूरज दी रोशनी दे मुकाबला भी नहीं कर सकती। अल्लाहु अकबर कबीरा, सोने दा ताज अल्लाह अता कर छड़ेगा। इत्थे बस नहीं है, जिस बंदे ने कुरान नू जुबानी याद कर लिया, कुरान नू जुबानी हिफज कर लिया, जिस बंदे ने कुरान नू जुबानी सीने अंदर महफूज कर लिया, कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे ऐ हाफिज़े कुरान ते कारी कुरान अज इस तरह करना तू दुनिया ते रह के मेरा कुरान जुबानी याद कीता है, आओ जहन्नम में ते 10 जहन्नमी बंदे जिन्हां दे नाम जहन्नम लिख दीती गई है, जा आज 10 जहन्नमी बंदे लेके जन्नत अंदर चला जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत वाले दिन भी इन्नी अजमत इन्ना मुकाम अता फरमाएंगे, फिर मैं क्यों ना मुहब्बत दा तराना बोलदा जावा। आखिरी बात है, फिर मैं क्यों ना मुहब्बत दा तराना बोलदा जावा। उसी महशर दा मैदाने फरमेसी रब रहमाने कुरान वाले ऊंची शान वाले। एक बारी फिर कह दियो उसी महशर दा मैदाने फरमेसी रब रहमाने कुरान वाले ऊंची शान वाले। कई हुस्न विच खजीने, कई हुस्न विच खजीने, कई चमकदे हुस्न सीने, ईमान वाले ऊंची शान वाले। ते अल्लाह रब्बुल आलमीन हाफिज़े कुरान ते कारी कुरान नू फरमाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आखणगे कारी कुरान दयावे 10 जन्नत विच ले जावे। ए हक है इसनू हासिल जिन्नू मर्जी ए बख्शावे। तकबीर शान कुरान अजमत कुरान कारी मोहम्मद हुसैन गिस्तानी साहब कारी कुरान दयावे दस जन्नत विच ले जावे ए हक है इसनो हासिल जिनो मर्जी ये बख्शावे ए हक है इसनो हासिल जिनो मर्जी पे आ बख्शावे माँ बाप बुलाए जासल सोने ताज पवाए जासल माँ बाप बुलाए जासल सोने ताज पवाए जासल पहचान वाले ऊंची शान वाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों दुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पानी दियो जी अश ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अच्छा एडवांस ही रसगुल्ले के पैसे एडवांस ही आ गए हैं। लो जी मिर्जा साहब की फरमाइश है अजमत वालदैन ते शाद। अच्छा 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 जी इंशाअल्लाह। लो जी वालद की अजमत और शान ते कि दो चार अशार समाज फरमाओ। आंदियां चेते जद वफावा बाप दिया अथरू निकलन वेख के रावा बाप दिया आंदियां चेते जद वफावा बाप दिया अथरू निकलन वेख के दावा बाप दिया गुस्से विच भी बाप मुहब्बता कर दाए तो पाछावा सर्दियां गर्मियां जड़दा है गुस्से विच भी बाप मुहब्बता करदा है तो पाछावा सर्दियां गर्मियां जड़दा है संगने रोख दे वांगों छावा बाप दिया अथरू निकलन वेख के रावा बाप दिया अथरू निकलन वेख के रावा बाप दिया बाप कदे भी हिम्मत टूटन देंदा नहीं रहिंदा सिर ते कदी भी डिगन देंदा नहीं बाप कदे भी हिम्मत टूटन देंदा नहीं। पूछो हाफिज बिलाल साहब दे कोलो पूछो मिर्जा मुहम्मद असलम साहब दे कोलो पूछो ना नौजवाना दे कोलो जिन्हां दा बाप दुनिया छड़ के चला गया है बाप कदे भी हिम्मत टूटन देंदा नहीं रहम दा सिर गन देंदा नहीं ओ गंढ नहीं लगन देंदियां बावा बाप दिया अथरू निकलन वेख के रावा बाप दिया अथरू निकलन वेख के रावा बाप दिया करम है उस रब दा मेरे उते है सलामत साया जिस दे घर उते रहंदियां नाल हमेश दुआवा बाप दियां रहंदियां हमेश नाल दुआवा बाप दियां अथर निकलन वेख के रावा बाप दियां आंदियां चेते जद वफावा बाप दियां अथर निकलन वेख के रावा